नमस्कार, मैं हूं सौरभ श्रीवास्तव। लगातार देश की राजधानी में कोरोना का मामला बढ़ता जा रहा है और जो मौत का सिलसिला है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। दिल्ली के अस्पतालों में ऑक्सीजन की भारी कमी देखने को मिली थी। ऑक्सीजन की कमी के चलते कई अस्पतालों से लगातार मौत की जो है खबरें वो निकल कर सामने आ रही थी, लेकिन जिस तरीके से दिल्ली हाईकोर्ट लगातार केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार को कड़ा निर्देश देता रहा है और जो दिल्ली में कोरोना को लेकर के जो तैयारी है उस पर भी लगातार हाईकोर्ट ने फटकार लगाई थी और ऑक्सीजन के लिए लगातार केंद्र को भी हाईकोर्ट के द्वारा निर्देश दिया गया था। अब दिल्ली और सरकार और केंद्र सरकार के प्रयासों से लगातार ऑक्सीजन की जो कमी है उसको दूर करने का कोशिश किया जा रहा है। दिल्ली में देर रात जो है लगभग 103.6 मेट्रिक टन लिक्विड ऑक्सीजन पहुंचा है। दिल्ली में जितनी ऑक्सीजन की जरूरत थी उससे लगभग 244 टन ऑक्सीजन दिल्ली में पहुंच चुका है। पूरी कोशिश की जा रही है जो कोरोना के जो मरीज हैं उनको ऑक्सीजन की कमी के चलते अब उनकी मौत ना हो और दिल्ली के अस्पतालों में जो बेहतर सुविधा है वो की जाए। आपको बताते चले कि लगातार जो DRDO की तरफ से जो अस्पताल तैयार किए गए हैं और दिल्ली सरकार ने भी कोविड केयर सेंटर में कई जगहों पर ऑक्सीजन प्लांट जो है लगाना शुरू कर दिया है, तो लगातार ये प्रयास किया जा रहा है जो कोरोना का बढ़ता वेव है उसको जो है थामने की कोशिश की जाए और कोरोना के जो संक्रमण है उसकी चैन तोड़ने की भी लगातार कोशिश की जा रही है। दिल्ली सरकार कई चीज़ों पर जहाँ एक तरफ दिल्ली में लॉकडाउन चल रहा है तो वही तरफ दूसरी तरफ देखा जाए तो दिल्ली में कई तरह की सख्ती भी रखी गई है और लगातार जो है ये अपील की जा रही है लोगों से कि दिल्ली में कम से कम निकले, क्योंकि ऑक्सीजन की कमी अस्पतालों में जो थी उसको तो कमी को दूर करने का प्रयास तो किया ही जा रहा है, लेकिन जिस तरीके से कोरोना का संक्रमण है वो फिलहाल अभी थमने का नाम नहीं ले रहा। पिछले 24 घंटे की बात की जाए तो दिल्ली में लगभग 20,000 नए मामले सामने आए हैं, वहीं 338 लोगों ने कोरोना के चलते ज़िंदगी से हाथ धोया है।